दरगाह कब्रिस्तान परिसर में खेले हटाने के विवाद पर फिर से हुई खूनी वारदात, अब की बार हुआ आरिफ शेख पर हमला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी, अमृत नगर स्थित दरगाह कब्रिस्तान का जो परिसर है, कब्रिस्तान के सामने से शिवाजी नगर शंकर मंदिर तक जाने वाली जो सड़क है, वहां पर पिछले 2 साल से लॉकडाउन और कोरोना के चलते अचानक ठेले और खोमचे लगाने वालों की तादाद बढ़ गई है। इसी के चलते एक वारदात हुई थी, मोहसिन शेख ने गाड़ी हटाने को लेकर जो बात की उसी पर विवाद होकर के मोहसिन शेख पर चाकू से हमला किया गया था आरिफ शेख द्वारा। अब 1 जुलाई गुरुवार को 11-12 बजे के करीब इसी दौरान आरिफ शेख पर हमला किया गया। आरिफ शेख का कहना है इमरान शेख और पाया, इमरान पाकिजा, नासिर और उनके साथ में और कुछ लोग थे जिन्होंने उस पर हमला किया है। कब तक ये यहाँ पर जो है इस तरह की खूनी वारदातें होती रहेगी, कब यहाँ पर कानून की बहाली होगी? लगातार 1 सप्ताह में ही 2 वारदातें हो गई है इस परिसर में और ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर फिर से। वहीं 1 जुलाई के दिन 12 से 1 के बीच ये जो आरिफ शेख के साथ वारदात हुई है, जख्मी हालत में हमारी उनकी बातचीत हुई थी, क्या आरिफ शेख ने बताया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। ये क्या मामला हुआ है? गाड़ी लगा था। हाँ। इमरान ने किस तरह बोल दिया है भतीजा का, लोग सब ने और जन थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लोग सबने मिलकर मेरे को मारे। कितने लोग थे ऐसे? कम से कम 15 जन। 15 जन थे। अच्छा, ये पिछली बार जो एक गाड़ी लगाने पे से मोहसिन के साथ झगड़ा हुआ था, ये उसी वजह से आगे बढ़ी है क्या बात? इमरान उसी का भाई है, इमरान पाया जो बता रहे थे उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ठीक।